अरे मोहन भाई सब आ चुके हैं, काट लो रिबन, अभी देर हो गई है। मोहन बेटा चल। भैया रिबन काटो ना। हाँ हाँ मोहन जल्दी कर, आज तो हम तेरे मेहमान भी है और तेरे ग्राहक भी है, और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता, जल्दी कर। बराबर की तो है जज्बे। मैं इनॉग्रेशन नहीं करूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि इनॉग्रेशन होगा लेकिन मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। अब तो तुम मैं काट दूं? कन्नू बेटे ऐसे काम छोटे बच्चे नहीं करते, कोई घर का बड़ा होना चाहिए। हाँ वो जो सबसे बड़ा हो ना उसे करना चाहिए। वाह आप ही कीजिए। नहीं, ये काम तो ना मोहन के परिवार से किसी को करना चाहिए। बाबजी 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 आ जाइए ना। मैं बताता हूं, रिबन को काट इस मॉल में सबसे पहला कदम रखने का हक से बात। मैं जानता हूं पिता अपने बच्चों को चलना सिखा था, लेकिन सही रहा तो माँ ही दिखा दी। आपने मुझे सही राह दिखा, पढ़ाया लिखाया, अपनी आंखों से सपने दिखाए। तो देखो आज आपके सपने को मैंने, और इसीलिए इस मॉल का नाम भी मैंने आपके नाम के ऊपर रखा। आज तो सब सच सच के यहाँ पे आए हैं ना। कस्तूर की माँ को देखा, ऐसी हल्की साड़ी और हल्के गहने पहन के आ गई, लगता है अपने दामाद की तरक्की से खुश नहीं हुई। कुछ भी बोलती हो तुम, चुप रहो और चलो।